मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। टुडेज चैप्टर इज चैप्टर 5, दैट इज कार एंड पेट्रोलियम। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर 5, ओके, दैट इज कार एंड पेट्रोलियम। तो आज हम अपने चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव टू लर्न हार्ड वर्ड्स। नाउ लेट स्टार्ट। देखो, अपना जो चैप्टर है कॉल एंड पेट्रोलियम, उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें कॉल एंड पेट्रोलियम का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखेंगे, किसका, कोल का, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी। अब अपन बात करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। सो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कोई भी वर्क करने के लिए अपनी जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी। क्या कहेंगे हम उसको, एनर्जी। नाउ एनर्जी ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्टोर इन डिफरेंट वे, ठीक है। ओके, नाउ तो जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपने को मिलती है, ठीक है। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वे, ठीक है। इसी टाइप से जो ऑल फॉर्म्स हैं एनर्जी की वो डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या होती है, स्टोर की जाती है। ओके, सो द एनर्जी सोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे, ठीक है, जो अपन एवरी डे यूज करते हैं एनर्जी का, ठीक है, वो क्या की हुई थी, स्टोर की हुई एनर्जी अपने लिए होती है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। रोज जो एनर्जी अपन यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज तो होती है, एनर्जी की नीड तो अपने को होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी अपने को नीड होती है, इस एनर्जी की मतलब ये अपने को रोज मिलती कहाँ से है, ठीक है। तो ये अपने सोर्सेज हैं कुछ एनर्जी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बायोमास, हाइड्रल पावर, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पेट्रोल, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो जो बायोमास एनर्जी होती है उसमें तो क्या होता है, बायोमास एनर्जी का मीन क्या हो गया कि ऐसी एनर्जी जो हमें कहां से मिलती है, बायोमास से मिलती है, ठीक है। इट मींस मतलब अपने जो प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उनसे अपने को ये इस टाइप की जो एनर्जी है वो मिलती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रल पावर। अब देखो हाइड्रल पावर क्या है, इट मींस वाटर्स को फ्लो करके जो एनर्जी गेन की जाती है वो क्या हो गई, हाइड्रल पावर। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं। इसी टाइप से जियोथर्मल, विंड एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी भी आप जानते हो, सोलर एनर्जी जो आपको सन से मिलती है, ठीक है। इसी टाइप से जो अपने फॉसिल फ्यूल्स है, कॉल एंड पेट्रोलियम हो गई, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है उसमें अपन देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें अपन देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, सोर्सेज एनर्जी कौन से हो गए, ऐसा कोई भी चीज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या हो गई, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल रिसोर्सेज। फिर अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट जो एनर्जी सोर्सेज हैं। देखो एक अपन ने देखा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इट मींस आप ऐसे कोई भी मतलब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से आपको एनर्जी मिलती है वो सभी को आप क्या कहोगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने पास है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो ये जो अपना चैप्टर है इसमें क्या, कोल एंड पेट्रोलियम है। तो इसमें अपन बात करेंगे कि जो कोल है एंड पेट्रोलियम वो एक एनर्जी का सोर्सेज है, अभी अपन ने देखा वहां पे इसमें, ठीक है। अपन ने देखा, देखो अपन ने यहाँ पे देखा जो एनर्जी की तो देखो अपने को नीड होती है जो भी एक्टिविटीज अपन करते हैं। फिर अपन ने देखा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अपन ने देखा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और ये एनर्जी सोर्सेज तो है, इसके अलावा ये कौन सी एनर्जी सोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो अपने जो नेचर में प्रेजेंट हो और अपने को एनर्जी प्रोवाइड करे, लाइक कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। एंड
नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फिर अपन देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हो गए. सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी तो कौन सी हो गई, दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. जिस एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन, बार बार जिसको आप यूज कर सकते हो, इस टाइप की एनर्जी कौन सी हो गई, रिन्यूएबल. इसी टाइप से अपनी कौन सी हो गई, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, दैट कांट बी यूज अगेन एंड अगेन, ऐसी एनर्जी. ठीक है, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस टाइप की जो भी एनर्जी है अपनी वो कौन सी हो गई, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, वी कैन से दीज रिसोर्सेज विल नॉट फिनिश इजीली एंड विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के वो क्या हो गए, मतलब ये फिनिश नहीं होते हैं इजीली, जल्दी से फिनिश नहीं होते. क्यों नहीं होते, क्योंकि आप इनको बार बार यूज कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए ये जल्दी से फिनिश नहीं होते और ये लॉन्ग टाइम तक आप ये चलते रहते हैं. लाइक सोलर एनर्जी, वाटर, एयर. अब जैसे कि अपन जानते हैं कि जो वाटर अपना वो क्या हो सकता है, डर्टी हो सकता है. ठीक है, खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने वाटर साइकिल अपन देखते हैं तो ये क्या है कि घूम फिर के फिर कहाँ आ जाता है, अपनी लैंड में ही आ जाता है. ठीक है, तो इस टाइप से जो वाटर है वो कभी खत्म नहीं होता, और जो एयर है उसको भी आप क्या कर सकते हो, जैसे वाटर है अगर वो डर्टी हो गया तो उसको अपन मतलब तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, उससे अपन इनको क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, और फिर उससे फिर से अपन उसको कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, इसी टाइप से अपना कौन सा सोर्स हो गया, एयर, सोलर एनर्जी. ठीक है, तो इस टाइप का जो सोर्सेज है मतलब ये फिनिश नहीं होंगे और ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे. ओके, नाउ इफ द वर्म्स गेट एग्जॉस्ट, अगर एक बार ये खत्म हो गए तो उसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर से बनाने में. ओके, दैट एक मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, देखो इस टाइप से हम जो अपनी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस भी देख रहे हैं. तो डिफरेंस देख के अपन इनको और अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर अपने क्वेश्चन आता है कि इनमें डिफरेंस बताना तो आप इजीली बता सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, दीज आर ऑल्सो नाउन एज इनहॉस्पिटेबल, इन हॉस्ट, इन एग्स हॉस्टिबल. ठीक है, इन एग्स हॉस्टिबल. ठीक है, तो ये सोर्सेज क्या है, कभी खत्म नहीं होते, ये एग्जॉस्टिबल होता है. ठीक है, जो मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या होते हैं, इन ये क्या होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, इट मीन्स ये फिनिश हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टिबल. ठीक है, तो ये खत्म नहीं होती जल्दी से. दीज आर ऑल्सो नाउन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ठीक है, इट मीन्स अपन इन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए अपने, सन, वाटरफॉल. ओके, सन एंड वाटरफॉल. ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, पेट्रोल, कॉल, सीएनजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर. ठीक है, तो ये अपने कौन से हो गए, अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फॉसिल फ्यूल्स. नेक्स्ट अपने पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कैसे बने, जो प्लांट एंड एनिमल्स है वो क्या हो गए, बरिड अंडर अर्थ, अर्थ के नीचे ये बरिड हो गए. ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स पहले ही क्या हो गए थे, बरिड हो गए थे. ठीक है, फिर क्या हुआ कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से फिर ये क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म इंटू फॉसिल फ्यूल्स. किस में ट्रांसफर हो गए, ये फॉसिल फ्यूल्स में ट्रांसफर हो गए. ठीक है, ये धीरे धीरे फिर किस में कन्वर्ट हो गए, किसकी वजह से, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए. सो नेक्स्ट वी हैव इज, दे आर नॉन रिन्यूएबल. ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इट मीन्स इनको मतलब ये जल्दी से फिनिश हो सकते हैं. ठीक है, और इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इनका जो यूज होता है अपने को वाइज यूज इनका करना चाहिए, इनको कभी भी अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, इसके जो टाइप्स है अपने पास कौन कौन से हो गए, कॉल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल. ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉल के बारे में. ठीक है, तो जो कॉल है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के बर्न होने से बना है.
और ये मेनली जो मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन होता है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज सम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होते हैं। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो होता ही है, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होता है। और डिफरेंट टाइप के अपने पास कॉल्स कौन कौन से हो गए, पीट जिसमें 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट जिसमें 70% कार्बन होता है, एंड बिटुमिन जिसमें 80% कार्बन होता है, और एंथ्रेसाइट जिसमें 90% कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो अपन कार्बन की अमाउंट देख रहे हैं, इट मींस इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जिसमें जितना ज्यादा कार्बन है उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी है। सो एंथ्रेसाइट में कितना कार्बन है, 90% कार्बन होता है, 90% कार्बन है, इट मींस सबसे ज्यादा इसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती है, एंथ्रेसाइट की सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है। ओके, सो बट बेसिकली सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है, बिटुमिन यूज किया जाता है, क्योंकि जो एंथ्रेसाइट है वो क्या होता है मतलब काफी एक्सपेंसिव होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बर्न कर रहे हो किसकी प्रोसेस अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। Then, next we have is, as you can see here in this picture, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखो ये बर्नर रखा हुआ है, इसमें ये क्या कर रहा है, हीट दे रहा है किसको, देखो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये बर्निंग या बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, तो इसमें आप बॉइल कर सकते हो। और फिर अपन ने इसमें कोल रखा है, ठीक है, तो जो कोल अपन ने रखा है वो क्या है, कॉक, ये क्या है, कॉक, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, इस टाइप से हीट दे रहे हैं। अब देखो इसमें कहीं भी एयर नहीं है, ठीक है, एयर की अब्सेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ से ये पैक किया हुआ है, एक पाइप लगाई हुई है, इस पाइप से ये नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो भी इसमें बर्न हो रहा है या फिर जो भी गैस वगैरह निकलेगी वो इस पाइप में जा रही है, ठीक है। फिर अपन ने देखा जैसे ही ये बर्न होगा तो इसमें से जो गैस निकलेगी वो डायरेक्ट किस में जाएगी, अपनी जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर क्या करेगी, ये क्या है जो यहाँ से निकल रही है, वो कॉल गैस है, ठीक है, और ये जो कॉल गैस है ये फिर सीधा क्या कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये मतलब यहाँ से जो भी मतलब अपना जो अपना कॉल तार या कॉल गैस जो भी बनता है, ठीक है, वो फिर वहां से टाइप से इसमें बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो गैस यहाँ पे निकलेगी कॉल गैस जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से जो वन जो गैस है मतलब कॉल के मतलब जलने से ये गैस इसमें आएगी और ये किस में डिजोल्व हो जाएगी, वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, फिर यहाँ से कोल गैस निकलेगी इसमें और ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि जो मतलब प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में वो कौन कौन से हो गए, कॉक, अमोनिकल लिकर, कोलता एंड कोल गैस, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे जैसे मतलब आपने यहाँ पे देखा तो ये गैस जब इसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, इसमें जब वाटर मिक्स हो जाएगा, वाटर में जब ये डिजोल्व हो जाएगी तो यहाँ पे ये क्या बना लेगी, अमोनिकल लिकर बना लेगी, क्या बनाएगी, अमोनिकल लिकर बना लेगी। ओके, सो इसमें अपने को अब ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। अब कोक तो कौन सा हो गया, ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलता है इसके बारे में, अपन ने फोर टाइप के मेन ऑब्जेक्ट अपन ने देखा, कॉक, अमोनिकल लिकर, कोलता, कॉल गैस, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पे ये तो क्या होता है, कोक हो गया, फिर यहाँ से ये जो गैस निकलेगी ये किसके साथ डिजोल्व हो जाएगी, यहाँ पे जो वाटर है उसके साथ डिजोल्व हो जाएगी और ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये जो इसमें नीचे जमा हुआ है ये क्या है, कोलतार है, ठीक है, ये वाटर में कोलतार वाटर में डिजोल्व होकर फिर क्या बनाता है, अमोनिकल लिकर बनाता है, ठीक है, और अमोनिकल लिकर के डिजोल्व होने के बाद में यहाँ से जो गैस निकलती है रिमूव होती है वो कौन सी गैस होगी, कॉल गैस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, देखो ये प्रोडक्ट्स अपन ने देख लिए, ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल गैस। ये तो अपन ने बात कर लिया कोल के बारे में, अभी अपन देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रस
जो एल्केन्स होते हैं उसके नाइट्रस इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 80% मेथेन एंड 7, जिसमें 80% तो क्या होता है मेथेन होता है, 7% एथेन, 6% प्रोपेन, 4% ब्यूटेन होते हैं, ठीक है। नाउ ये क्या होता है, जो अर्थ का क्रस्ट है उसके मतलब पेट्रोलियम, जब उसमें पेट्रोलियम डिपॉजिट हो जाता है तो उससे ये बनता है। नाउ एज यू कैन सी हियर, मोस्टली इसका जो यूज होता है वो किस में होता है, एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में होता है, ठीक है, जो मतलब आप अपने हाउसेस भी यूज करते हो, ठीक है। इन इसके अलावा जो कंप्रेस नेचुरल गैस इतनी सीएनजी उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, और इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो सेपरेटेड फॉर्म में होते हैं नेचुरल गैस में, ठीक है, लिक्विफाइड अंडर पेट्रोलियम अंडर प्रेशर टू फॉर्म, ठीक है। और इसको लिक्विफाइड कैसे किया जाता है, जैसे देखो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी अपने पास में मतलब सब्सटेंस है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे, गैस, और उसके मॉलिक्यूल थोड़े पास में हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे, लिक्विड, और अगर उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में हैं, इस टाइप से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब अपन उसको क्या कहेंगे, सॉलिड, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया कि इसको जब बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, और पास में आने से ये जो गैस है वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो अपने हाउसेस पे जो अपन गैस यूज करते हैं, ठीक है, वो तो कौन सी होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गई, ठीक है, एंड जो सीएनजी है वो कहां पे यूज की जाती है, फिर नेचुरल गैस, जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है ये, इसमें मैथेन इंक्लूड होता है, और ये एज ए फ्यूल गैस के रूप में यूज की जाती है व्हीकल्स में एंड इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पेट्रोलियम, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बनता कैसे है, जो अपन ने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे, ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, जो सी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, डाइड होने के बाद में ये बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और फिर इनपे जो सैंड एंड क्ले है उसका कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में मिलियन ईयर्स आफ्टर ये क्या करते हैं, मतलब ये धीरे धीरे चेंज, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये ट्रांसफर होते हैं, किसमें, पेट्रोलियम में, और जहां से ये पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं और नेचुरल गैस में बन जाते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है वो एक साथ बनते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये एक ऑयली लिक्विड होता है, जो पेट्रोलियम है वो एक ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, एंड अनप्लीजेंट ऑडर, इसकी जो मतलब स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। इट मींस अब देखो अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो कोयल का भी देखेंगे और पेट्रोलियम का भी देखेंगे, कोयल का तो अपन ने देख लिया, अपन पेट्रोलियम का भी देखेंगे, ओके। सो नाउ इट इज सेपरेटेड बाय पेट्रोलियम, जो अपन देखो इसको जो पेट्रोलियम होता है उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, और फिर इस टाइप से उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल, ओके। नाउ देखो इसमें क्या है कि मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर मतलब जब आप इसको मतलब स्टार्टिंग में इसको 400 सेल्सियस टेम्परेचर आप इसको देते हो, और इसी टेम्परेचर आपको क्या मिल जाता है, फ्यूल ऑयल्स मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है, इसको फ्यूल ऑयल मिल जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये किसमें, लिक्विड से ये किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका टेम्परेचर कम होता है, 300 टेम्परेचर जब इसका होता है तो इससे डीजल बन जाता है, 200 टेम्परेचर होता है तो ये कैरोसिन मिल जाता है। देखो ये जो पेट्रोलियम है ये अपने को प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, इसको अपने को ऑब्टेन करना पड़ता है, इसको मतलब अपने को इसको क्लीन प्रोसेस से गैन करना पड़ता है, ठीक है। तो 300 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर होता है तो इसको डीजल बन जाता है, ठीक है, और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसका होता है तो इससे कैरोसिन अपने को मिलता है। तो इस टाइप से देखो ये एक मिक्सचर अपने को नेचर से मिलता है, फिर जैसे जैसे अपन इनको गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, फर्नेसेज में इसको गर्म किया जाता है, तो जैसे जैसे अपन इसको गर्म कर रहे हैं वैसे वैसे अपने को डिफरेंट टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स है वो मिल रहे हैं,
ठीक है, फिर इसका और टेम्परेचर कम होगा तो आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल, और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अपने को यहाँ पे जो लिब्रिक है, और इससे अपने को और भी मतलब इन सारे मटेरियल्स के अलावा और भी अपने को सब्सटेंसेस है वो यहाँ से मिलते हैं, लाइक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये भी अपने को इसमें मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड आर, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें अपने को मिलते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, जो पेट्रोलियम का अगर अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं अपने को, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन्स एटसेट्रा, ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, इसको रीड कर लोगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो एनर्जी तो अपने को इन सब से मिलती ही है, फिर ये इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करती है। सो नाउ जो एनर्जी है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो ये देखो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीजिंग होने की वजह से, इसकी रेट इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी जो डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लग्जरीज आइटम्स, ठीक है, जो लग्जरीज आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वो वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। लाइक जैसे कि अपन जानते हैं अपने हाउसेस के अंदर काफी सारे लग्जरीज मटेरियल अपने पास होते हैं, लाइक आप देखते हो एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रीज, ये सारी चीजें आपको क्या करती है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। इसी टाइप से जो अपने इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज होती हैं वो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। लाइक आप जब भी अपने हाउसेस पे जाते हो तो टीवी है आपको, मतलब इंटरटेनमेंट का है, इसी टाइप से लैपटॉप, ठीक है, तो इनकी डिमांड जैसे बढ़ रही है वैसे ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, मतलब सबके हाउसेज में नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अवेलेबल हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो यूज ऑफ केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा जो वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स हैं अपने एग्रीकल्चर के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। कैसे, जैसे मतलब इनका केमिकल्स का यूज बढ़ रहा है, लाइक पेस्टिसाइड्स है वो भी मतलब जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को, वैसे ही फर्टिलाइजर्स जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अपने क्या है, लिमिटेड है। जैसे कि अपन ने टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था, कौन कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो कौन से होते हैं, जो अपन जिनको बार बार यूज कर सकते हैं, इट मीन्स आप उनको बार बार में मतलब अगेन एंड अगेन आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो फिजिकल प्रोसेस होती है उनके थ्रू आप उनको यूज कर सकते हो। इसी टाइप से जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कैसे सोर्सेज होते हैं, जिनको अपन यूज नहीं कर सकते बार बार में, ठीक है, तो ये कैसे सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एंड नाउ तो जो मतलब लाइक फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, इट मीन्स ये खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो भी एग्जॉस्टिबल होता है, क्योंकि अगर आप उसको काटे जाओगे प्लांट्स को काटे जाओगे तो वो खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से मिनरल्स हैं वो भी अपने एग्जॉस्टिबल है, इट मीन्स ये खत्म हो जाएंगे। जो एक मतलब जिन भी सोर्सेज की, जिन एनर्जी सोर्सेज की अपने पास क्या लिमिट्स हैं वो एग्जॉस्टिबल है, क्योंकि वो फिनिश हो जाएंगे जल्दी। इसी टाइप से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी क्या है, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम अपन ने देखा, ठीक है, तो ये इनको बनाने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन ये खत्म होने में इनको ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स में ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लाइक बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, ठीक है, इस मेजर कॉज, ठीक है, इन फ्यूल्स को बर्न करना क्या है, इसका मेजर रीजन है, मेजर रीजन है इनके फिनिश होने का। ओके, सो ये क्या है, इनके लिमिटेड अमाउंट, इनकी लिमिटेड मतलब ये लिमिटेड है अपने एनवायरनमेंट में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इनको जब आप बर्न करते हो, जो भी अपने फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कॉल, पेट्रोलियम, ठीक है, जो नेचुरल गैसेस वगैरह जो भी अपने क्या है,
जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब भी अपन उनको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो बर्न करने से ये क्या करेंगे, फिर एयर पोल्यूशन करेंगे. क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन करेंगे. नाउ देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और इनका यूज मतलब इनका जो यूज है वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट करता है. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब भी मतलब जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी अमाउंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा वो क्या करेंगे, एयर से अपने को जो अपना सन है, सन से आपको क्या मिलती है, हार्मफुल रेस सन से आती है कहाँ पे, अर्थ के ऊपर. ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो ये हार्मफुल रेज आती हैं, ये किसको मतलब ये उनको क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेज आएंगी उतने ही ज्यादा कार्बन मतलब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा वो उन हार्मफुल रेज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. उतनी ही ज्यादा उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा और क्योंकि वो अपने लिए हार्मफुल है तो वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं उन सभी को वो हार्म करेगा. ठीक है, सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट, इसीलिए ये यूज है कि जो फॉसिल जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनको अपने को एब्सोल्यूट नेसेसरी, ठीक है, उनकी अपने को नीड है, उनको अपने को बर्न नहीं करना चाहिए. विल रिजर्व मतलब जितना ज्यादा कम हो सके उनका यूज कम यूज करना चाहिए, और ये ही अपने इन्वायरमेंट के लिए बेटर है. और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है, एंड अपने जो मतलब फ्यूचर मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए अपनी जो अवेलेबिलिटी है फॉसिल फ्यूल्स की वो भी बनी रहेगी. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सम टिप्स. अब देखो कैसे अपन इनको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए अपने पास में कुछ टिप्स हैं. लाइक अब देखो कैसे फॉसिल फ्यूल को मतलब कर सकते हैं, स्पेशली ये किस में यूज किया जाता है, व्हीकल्स में. सो ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो मतलब आप जो भी ड्राइव कर रहे हो, जो भी व्हीकल है आपका, उसको मॉडरेट स्पीड में मतलब उसकी स्पीड आपको ज्यादा भी नहीं रखनी है और कम भी नहीं रखनी है. ठीक है, तो इस टाइप से आप उसकी स्पीड जो है वो मॉडरेट रख के जितनी पॉसिबल हो, ठीक है, आप जो फ्यूल है उसको सेव कर सकते हो. इसके अलावा स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट. जब ट्रैफिक लाइट्स होती है, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो इंजन है उसको ऑफ कर देना है. इसके अलावा अगर आप अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो तब भी आपको उसका इंजन जो है वो ऑफ कर देना है. नाउ इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. और आपको क्या करना है, जो आपका व्हीकल है उसका टायर का जो प्रेशर है उसको आपको क्या करना है, श्योर करना है कि ये इसका सही है या रॉन्ग है. नाउ इसी टाइप से इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स. इसके अलावा जो अपना व्हीकल है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस को आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू विल हैव टू लर्न योर एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, सो इसकी जो एक्सरसाइज है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, टिक द करेक्ट भी आपको लर्न करने, ठीक है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग सारे करने, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं तो उनमें से भी ऐसे हो सकता है कि बीच में से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी आस्क किए जा सकते हैं. सो यू विल हैव टू लर्न योर कंप्लीट चैप्टर. देखो जो चैप्टर जो बुक में है उस चैप्टर को आप सिर्फ रीड करोगे, नोट्स को अच्छे से लर्न करोगे, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसको भी आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे, तभी आप अपनी जो एग्जाम है जो टेस्ट है आपका उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड थैंक यू.